और अब खबरों की शुरुआत करते हैं वाराणसी से। बड़ी खबर है, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज देखने को मिला है। अखिलेश ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विदेशों से निवेश आने पर बोले अखिलेश यादव, विश्व में भारत की छवि बेकार हो रही है, निवेश हो अच्छी बात है पर ये झूठ ना निकले। तो मिशन पूर्वांचल पर अखिलेश यादव निकले हुए हैं, गाजीपुर से इसकी शुरुआत की और अब इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की छवि हो रही है बेकार, निवेश हो अच्छी बात है पर ये झूठ ना निकले। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर इन्वेस्टर समिट को लेकर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि यूपी में निवेश आए और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये झूठ ना हो। साथ ही समिट पर भी सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी। बस फिर प्रार्थना करता हूं उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं बाबा से कहूंगा कम से कम 20 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ इस काशी को भी मिल जाए। और मैं अखिलेश यादव ने लखनऊ स्टेडियम का नाम बदलने पर भी सवाल उठाए और सीएम योगी पर तंज भी कसते हुए नजर आए। जो लोक भवन समाजवादियों ने बनाया हो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेला खड़ा कर दिया हो, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जो भगवान विष्णु के नाम पर था उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको शपथ करने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां आप शपथ ले सकते थे, आपको उसी स्टेडियम में आना पड़ा। अभी देखा होगा आपने हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप ना उड़ा दे तो कहिएगा आप।